आईपीएल ऑक्शन को लेकर नई जानकारी सामने आई। 61 खिलाड़ियों ने करोड़ों की बेस प्राइस के साथ एंट्री पाई। जी हाँ, 61 खिलाड़ी हैं, बहुत करोड़ों का उनका बेस प्राइस है और इन 61 खिलाड़ियों पर करोड़ों की बारिश भी हो सकती है। तो कुछ नई डिटेल्स जो आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। तो नई जानकारी के मुताबिक कुल 1166 खिलाड़ियों ने इस आईपीएल ऑक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। यही 1166 खिलाड़ियों की लिस्ट सभी फ्रेंचाइजी को भेजी गई है ताकि इसमें से खिलाड़ी जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जा सके। सभी टीमों को मिलाकर इस मिनी ऑक्शन में 77 खिलाड़ियों पर बोली लग सकती है। कुल स्लॉट जो खाली है वो 77 है और बताइए 1166 खिलाड़ियों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ये जो 77 प्लेयर्स हैं जो स्लॉट खाली है, इसमें से 30 स्लॉट जो है वो विदेशी खिलाड़ियों के खाली हैं। यानी कि इस नीलामी में फ्रेंचाइजी जो हैं अलग अलग, वो कुल मिलाकर 262 करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों पर खर्च कर सकती है। अब कुछ जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने कितना बेस प्राइस अपना रखा है वो मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीत के सबसे बड़े हीरो रहे ट्रेविस हेड, साथ ही साथ उनके कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इन तीनों ने 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली आईपीएल नीलामी के लिए अपने अपने बेस प्राइस को 2 करोड़ के उच्चतम ब्रैकेट में रखा है। सबसे हाईएस्ट जो ब्रैकेट है ना, 2 करोड़ का बेस प्राइस। इनको पता है कि हम पर तो 5-7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ आराम से हमें मिल जाएंगे, इसलिए कम से कम 2 करोड़ का हम बेस प्राइस रखते हैं। तो इनको कम से कम 2 करोड़ तो मिलने तय है। वही इस ब्रैकेट में भारतीय टीम से बाहर हुए तेज गेंदबाज हर्षल पटेल भी हैं और उमेश यादव भी हैं, साथ ही साथ केदार जाधव भी हैं, उन्होंने भी अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा है। वहीं विश्व कप के दौरान अपनी बल्लेबाजी से सभी को चौंकाने वाले न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की जो बेस प्राइस है वो 50 लाख रुपए है। हालांकि उन्होंने अपनी कीमत 50 लाख रखी है बेस प्राइस, लेकिन ये तो तय है कि उनके ऊपर बड़ी बोली लगेगी क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और ओपनिंग भी करते हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी कीमत इतनी कम कर रखी है। इसके अलावा भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक ठोकने वाले जॉश इंग्लिस, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड भी टॉप ब्रैकेट में, यानी कि 2 करोड़ के टॉप ब्रैकेट में हैं। वहीं कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की नई तेज गेंदबाजी सनसनी गेराल्ड कोएट्जी और साथ ही साथ खतरनाक बल्लेबाज रासी वेंडर दोसे, इन्होंने भी अपनी बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में रखी है। इसके अलावा आरसीबी के पूर्व शानदार ऑलराउंडर वरिंदु हसरंगा, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस रखा है, यानी कि बाकियों से थोड़ा सा कम। तो अब बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों से ये अनुरोध किया है कि वो नीलामी रजिस्टर में सूचीबद्ध नहीं होने वाले जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके अनुरोधों का जवाब दें। अगर अनुरोधित खिलाड़ी पात्र और इच्छुक हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक रूप से नीलामी में शामिल कर लिया जाएगा। अब कुछ जो बड़े बड़े बेस प्राइस 2 करोड़ वाले खिलाड़ी हैं मैं आपको बता देता हूँ। हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केदार जाधव, मुजीबुर रहमान, सी नेबॉट, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, डेविड विली, क्रिस वोक्स, लॉकी फर्ग्यूसन, गेराल्ड कोएट्जी, रायली रोसो, रासी वेंडर दुसे और एंजेलो मैथ्यूज। इसके अलावा 1.5 करोड़ का बेस प्राइस, वो भी जान लीजिए, मोहम्मद अमी, मोइजेस हेनरिकेस, क्रिस लिन, केन रिचर्डसन, डैनियल सैम्स, डैनियल बोरोल, टॉम करन, मर्चेंट डी लैंग, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, टाइमल मिल्स, फिल सॉल्ट, कोरी एंडरसन, कॉलिन मुंडो, जिमी निशम, टिम साउदी, कॉलिन इंग्रम, बरिंदु हसरंगा, जेसन होल्डर और शर्फेन रदरफोर्ड। अब ऐसे में आप बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो सबसे महंगा बिक सकता है। एक कमेंट आपको करना होगा कि इनमें से सबसे महंगी बोली किस खिलाड़ी पर लग सकती है और कितनी लग सकती है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।